नाम की। आज का रात्रि क्लास है 25 दिसंबर 1967। म्यूजियम या प्रदर्शनी आदि खुलती है तो चित्र वहाँ रखे हुए हैं, उन चित्रों में से पहले पहले किस चित्र पर ले जाते हैं? पहले तो दो बाप का परिचय देना पड़े और फिर बताना पड़े कि बाप किसको कहा जाता है। मनुष्यों को व देवताओं को भगवान तो नहीं कहा जा सकता, बाकी रहा निराकार शिव, उनको भगवान भी कहा जाता है, शिव बाबा भी कहा जाता है, और त्रिमूर्ति तो है ही, गायन भी है कि बाप ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। और विष्णुपुरी की राजधानी है, परंतु बाप खुद तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं ना। निराकार परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी का मालिक नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा ही विष्णु की राजधानी की स्थापना करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा और सरस्वती का ये ब्राह्मण कुलभूषण चोटी स्थापन करता है, और वो तो नई दुनिया स्वर्ग हो गई, बाकी तो सब ही धर्म खलास हो जाते हैं। विष्णुपुरी में और कोई धर्म नहीं होता है, इस समय तो सब पतित हैं, और विष्णुपुरी है पावन। ये सब हैं पतित मनुष्य, और इन पतितों को बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप ने बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश किया है, ये पतित है, फिर योग बल से ही पावन बनते हैं, और योग बल से ही पराजय प्राप्त होती है। पहले परिचय बाप का, फिर त्रिमूर्ति का, फिर गोले में संगम दिखाना पड़े, सतयुग में थोड़े होते हैं और कलयुग में बहुत होते हैं, वहां होता ही है एक राजा। भारतवासी चाहते हैं वहां एकता हो, एक राज्य हो, एक मत हो, सतयुग में एक ही राज्य होता है, और वहां पवित्रता भी है। अभी अनेकों के विनाश के लिए तैयारी हो रही है, शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, भारत का उत्थान और पतन
ये बात सबको समझाई जाती है। सत्ययुग में भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान बना है, फिर योग बल से सतो प्रधान बन जाते हैं। और कोई भी मनुष्य राजयोग नहीं सिखला सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। सीढ़ी का भी समझाया है, सूर्यवंशी राज्य और चंद्रवंशी राज्य, और अभी कहेंगे शूद्रवंशी राज्य। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, अगर तुम कहेंगे पवित्र बनना है तो वो दलील देते हैं कि देवताओं को भी तो बच्चे थे ना, इस बात पर जिरह नहीं करनी है। पहले तो टेम्पटेशन दो, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तुम स्वर्ग के मालिक थे, तमो प्रधान से या फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य तो पवित्रता की बात से ही डर जाते हैं, झगड़ा विघ्न आदि सब इस पवित्रता पर ही होते हैं। तो समझाना चाहिए कि राजयोग तो कोई सन्यासी आदि नहीं सिखा सकते, ये तो बाप ने ही घर गृहस्थ में रहकर राजयोग सिखाया है। जब भी कोई को समझाया जाता है तो आत्मा समझ करके सुनाना है, देखना है उनको बात समझ में आती है और समझ करके बोलता है, उनकी कांध हिलती है, खुशी होती है। अगर वो उल्टा सुल्टा प्रश्न आदि करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब तक बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा करके रवाना कर देना चाहिए। समझ लेना है ये हमारे कुल का नहीं है, बाप तो रचयिता है ना। बाप आते हैं तो आकर के वर्षा देते हैं, तो पहले तो नब्ज देखनी है। और उनको समझाओ तो भी आत्मा देखना है। हम अपने भाई को समझाते हैं, ऐसे ही समझना चाहिए। बाप कहते माम एकम याद करो, वो बाप है ही ऊंचते ऊंच, उनको याद करने से अंतमते सुगति हो जाएगी, अर्थात तुम ऊंच गति को पावेंगे। ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे कभी मत समझो कि फायदा कुछ नहीं होता है। नहीं, प्रजा भी तो बननी है ना, प्रजा वर्ग का होगा तो संदेश मात्र लेकर के चला जाएगा।
बाकी पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पवित्र नहीं रहेंगे तो भी अंत में सजाएं खाकर स्वर्ग में आ जाएंगे। इतने सब पवित्र थोड़े ही बनते हैं। ज्ञान सुनने मात्र से भी काफी फायदा होता है। ऐसे ऐसे समझाना है। पवित्र होकर फिर गिर पड़ते हैं वो तो कोई नई बात नहीं है। बाप तो कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। तुम तो स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला टीचर तो याद आवेगा। टीचर से पढ़ते हो ना तो शिव बाबा याद पड़े। वो ऊंचे ते ऊंचे गुरु भी है, वो ही ज्ञान का सागर भी है। फिर भक्ति और ज्ञान का फर्क भी समझाना चाहिए। ज्ञान सागर द्वारा ही ज्ञान की सदगति होती है। वो ज्ञान सागर तो एक ही है। मनुष्य को कब भी ज्ञान का सागर, पतित पावन अथवा प्यार का सागर नहीं कहा जाता है। बल वो अपन को जगत गुरु कह देते हैं किंतु ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वो लोग शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं परंतु ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है। वो तो ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते आए हैं। कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। और बाप तो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। युगे युगे थोड़े ही आकर के ज्ञान देंगे। ना आकर के गीता सुनावेंगे और न राजयोग सिखावेंगे। 25/67 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं मैं तो संगम युग पर ही आता हूं और कोई दूसरे युग में नहीं आता हूं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरुषों में उत्तम ते उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। सदगुरु एक ही है, बाकी तो सब नंबरवार झूठ बन जाते हैं। और वो सदगुरु आता ही है संगम पर। तो तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है। फिर सीढ़ी उतरते आते हैं। वो सन्यासी आदि पुरुषोत्तम बन कैसे सकते हैं? मनुष्य तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है। उसमें मूल बात है कि देह के सभी धर्मों को छोड़ करके अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करना है। बाप पॉइंट्स तो ढेर सुनाते रहते हैं। जैसा जैसा मनुष्य होता है वैसा वैसा उनको मिठाई भी खिलानी चाहिए।
समझो कि जो कुछ भी ड्रामा में हुआ वो सब कुछ ऐसा ही था। पास्ट की तो जरा भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कि जो भी हुआ सो कल पहले मिसल पास्ट हो गया। पिछाड़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ड्रामा में जो कुछ हुआ सो हुआ। भूल हुई फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगी। परंतु आगे के लिए अभूल बनना है। कर्मातीत अवस्था वाले को ही अभूल कहा जाता है। मनुष्य तो भूलों का पुतला है। मनन चिंतन करने वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। मन चंचल होता है। चंचलता के कारण भूलें होती हैं। और अभी तो कोई अभूल बन ही नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जबकि रिजल्ट भी बाहर आनी होती है। फिर कर्मेंद्रियां बस में हो जाएंगी। वो कर्मेंद्रियां भी चंचलता नहीं करेंगी। पहले कर्मेंद्रियां बस में होंगी कि पहले मन बस में होगा? मन है मूल। मन जब अमन हो जाता है तो कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है। चंचलता नहीं करेंगी। आत्मा को याद करेंगे तो फिर कोई भी शारीरिक भान बबूरी दृष्टि नहीं रखेंगे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। बाप तो बैठे हुए हैं, कह देते हैं सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हमारा बाबा बैठा हुआ है। वो बाबा तो सभी ही बातों को जानते हैं। बाप की कितनी महिमा है। सुख का सागर, पवित्रता का सागर, उनको तो सब प्रकार की खूबियां सिखलाना आता है। अभी तुम लायक बन रहे हो और बाप ही आकर के लायक बनाते हैं। पहले नालायक थे। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे मूर्ख बन गए हो। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। उसको एवर प्योर कहा जाता है। बाकी तुम सब हो सीताएं और एक ही राम है। सब सीताओं को और भक्तों को पावन बनाते हैं। तो तुम सब भक्तियां भी हो, सीताएं भी हो। बाप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखलाते हैं, वो तुम बच्चों को निश्चय है। स्थापना तो होनी है। ड्रामा का तो प्लान है। पुरानी दुनिया विनाश होगी,
और नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये बाप का प्लानिंग है। वो लोग तो कितनी प्लानिंग करते रहते हैं, कर्ज आदि लेते रहते हैं। यहाँ तो कोई प्रकार का कर्ज आदि लेने की बात ही नहीं है। प्लानिंग ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, और वो तो होनी ही है। यही हमारा प्लान है। सारा ही ड्रामा का प्लान है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास और है। 22/12/67 तुम बच्चों को सर्विस से बहुतों का कल्याण करना है। जितना जितना सर्विस करते जावेंगे उतना अपना भी कल्याण होता जाएगा। सेवा साहे, सेवा करने से ही पद की ऊंचाई का पता चलेगा। कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनको शौक होता है ईश्वरीय सेवा का, वो कभी भी सर्दी गर्मी आदि नहीं देखेंगे। कभी भी बहाना नहीं बनावेंगे, यहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है। बाप को तो वंडर लगता है कि कल पहले मुआफिक बच्चों को कितना सहज ज्ञान मिल रहा है। ये जो विराट स्वरूप का चित्र है कि हम पहले चोटी के ब्राह्मण हैं, फिर मस्तक समान देवता बनते हैं, ये भी सिद्ध करके बताना होता है कि चोटी कैसे ऊंची है। चोटी में गांठ बांधते हैं तो शिव का रूप बन जाता है। तुमको भी बुद्धि में गांठ बांध लेनी है। शिव की याद रहेगी तो तुम चोटी के ब्राह्मण रहेंगे। ब्राह्मण के पीछे ही देवताएं होती हैं। सिद्ध करके बताना है कि ब्राह्मण तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। और कोई युग में ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्रह्मा हो तो ब्राह्मण हो। और ब्रह्मा कहा ही जाता है तब जब बाप उनमें प्रवेश करे। जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बना, माना ही ब्राह्मण कुल का हो गया। सब ईश्वर के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो गए। परंतु ईश्वर के बच्चों को देवता नहीं कहेंगे। ईश्वर के बच्चों को क्या कहेंगे? ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। ईश्वर है शिव, शिव ब्रह्मा के तन के द्वारा
ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रचना रचते हैं। तुम बच्चे भी हो तो पोत्रे भी हो। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, ये भी समझाना पड़ता है कि हम ब्राह्मण ईश्वर के कुल के हैं। ये सारी प्रजा है, मनुष्य सृष्टि को प्रजा कहेंगे और ये सारी प्रजा है प्रजापिता ब्रह्मा की। तो प्रजापिता ब्रह्मा का बाप कौन ठहरा? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो प्रजापिता है, फिर उसका बाप किसको कहेंगे? कहेंगे शिव बाबा ठहरा। जो ब्रह्मा बनते हैं वो ही फिर विष्णु बनते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं नाम ब्रह्मा रख देते हैं, तो जरूर अनेक ब्रह्मा हुए होंगे। कोई एक तन में प्रवेश करने की बात नहीं है। हाँ, एक मुकर्रर कहा जाता है और बाकी है टेम्परेरी। जिस नंबर के ब्रह्मा उसी नंबर के विष्णु। विष्णु की भुजाएं भी तो होती है ना। कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई दाईं ओर की भुजाएं हैं, कोई बाईं ओर की भुजाएं हैं। कहेंगे तो विष्णु की भुजाएं ना। फिर भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी कोई है। भुजाएं बाप के बगैर काम नहीं कर सकती और बाप साकार के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा पांच दिखाए जाते हैं, उनको चतुरानन भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है। ब्रह्मा को मुख दे दिए, अनेक मुख दे दिए और रावण को भी अनेक मुख दे दिए। ब्रह्मा है अधूरा पतित और विष्णु है पूरा और पावन। विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं, माना विष्णु सहयोगी बनता है। अपनी मनमत नहीं चलाता है, अकल नहीं चलाता है। मनमत और मनुष्य मत उत्थान करती है या पतन करती है? मनुष्य मत से होती है दुर्गति और ऊंचे ऊंचे बाप से होती है सदगति।
सदगति माने विष्णु, वैष्णव कुल। तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे, सदगति में है या दुर्गति में है? ब्रह्मा को अनेक मुख दिखाए जाते हैं, रावण को भी अनेक मुख दिखाए जाते हैं। तो जरूर तुंडे तुंडे मत भिन्ना अनेक प्रकार की मत चलाने वाले हैं। विष्णु को एक मुख दिखाया जाता है, अर्थात एक मत एक राज्य, बाकी जो भी हैं वो सब भुजाएं हैं, सहयोगी हैं। तो कौन अच्छा, सहयोगी बनना अच्छा या अपनी अपनी मत चलाना अच्छा? पहले तो ये पहचानना है कि ऊंच ते ऊंच कौन है। जब तक इस बात का पक्का निश्चय नहीं हुआ है तब तक सहयोग भी किसको देंगे? ऊंच ते ऊंच के सहयोगी बनेंगे तो ऊंचते ऊंच कुल के भांति कहे जावेंगे, ऊंचते ऊंच कुल है ब्राह्मण कुल, और ब्राह्मण भी संपूर्ण और असंपूर्ण कहे जाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण माना निश्चय बुद्धि, अपूर्ण ब्राह्मण माना कभी निश्चय और कभी अनिश्चय। तो बताया जो ब्रह्मा बनते हैं वो ही विष्णु बनते हैं, और शंकर का तो पार्ट ही नहीं है। पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियां ना हो तो रंगमंच पर कोई भी पार्ट नहीं बजाया जा सकता। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। मोस्टली कोई कर्म करता हुआ नहीं दिखाते, कहते हैं शंकर ने विष पिया। तो ये कार्य है अथवा नहीं है? कार्य तो है, परंतु वह कार्य करने वाला कौन है? शंकर है या शिव है? शिव ही विष पीने वाला है। शंकर के लिए नहीं कहेंगे कि वो विष पीता है, जो वेर प्योर है वो ही संसार का विषय विषय वासनाओं को पीना कर सकता है। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है, सारा पार्ट ब्रह्मा का अथवा विष्णु का है। तो विष्णु में भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु के चित्र में मुख दिखाते हैं, मुख है तो बोलता तो होगा ना, और भुजाएं हैं तो सहयोगी बनता होगा। देवताएं तो हिंसक नहीं होते हैं, शंकर को तो दिखाते हैं हिंसा करते हैं,
उगाया भी जाता है शंकर द्वारा विनाश। तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं समझाने की, नोट नहीं करने से सारी पॉइंट्स भूल जाती है। बाप को तो सर्विस का फुरना रहता है कि पतितों को जाकर के पावन बनाऊं, उनको राजधानी का फुरना नहीं है इतना। राजधानी का फुरना फिर इनको रहता है। इनको माना किनको? जिनमें प्रवेश करते हैं, राम और कृष्ण में, इनको राजधानी का नशा रहता है कि हम सांवरे से गोरा बनूंगा। अभी विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश हमारे लिए होना है, पुरानी दुनिया का, और नई दुनिया की स्थापना भी हमारे लिए होनी है। तो खुशी तो तुम बच्चों को रहना चाहिए। कहते भी हो कि हम तो आए ही हैं नर से नारायण बनने, या नर से प्रिंस बनने। शास्त्रों में गायन किस बात का है? नर से नारायण बनने का है। फिर फेल होते हैं जो जाकर के प्रजा बनते हैं। माना अगर नर से प्रिंस बने तो प्रजा पद में चले गए या राजाई में आए? प्रजापद में चले गए। प्रजा कहा जाता है प्रकष्ट रूपेण जायते, जा माने जन्म लेने वाला। तो प्रिंस को जन्म लेने वाला कहेंगे या जन्म देने वाला कहेंगे? हैं? प्रिंस को जन्म लेने वाला कहेंगे। तो प्रजा हो गया ना। तो बोला जो फेल होते हैं वो प्रजा बनते हैं। ये तो रूहानी गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। तुमको रूह पढ़ाती है, पढ़ने वाली भी रूह और पढ़ाने वाली भी रूह। रूह के अलावा और कोई तो पढ़ा भी नहीं सकता है। इस रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला अगर देह अभिमानी है, रूहानी स्टेज वाला नहीं है, जिस्मानी स्टेज में रहकर पढ़ाता है, तो उसे रूहानी यूनिवर्सिटी का टीचर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो रूह के अलावा और कोई पढ़ भी नहीं सकता है और पढ़ा भी नहीं सकता है। बादशाही मिलती है तो कोई कम बात है क्या? ये रूहानियत की प्रैक्टिस करनी पड़े। परंतु पावन तो बनते नहीं है। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं? बाप खुद ही आकर के कहते हैं अभी काम चिच्छा पर मत चढ़ो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, विनाश सामने खड़ा हुआ है। जल मरोगे,
बल बचाने वाला आया हुआ है। तो उनकी मत पर चलना पड़े। अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो पूरी ही आग लग जाएगी। तकदीर में नहीं है तो प्रैक्टिकल में आए हुए बाप की बात भी नहीं मानते। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है कि बाप खुद ही कहते हैं काम चिच्छा पर नहीं चढ़ो, फेल होते हैं तो फिर चंद्रवंशी में आ जाते हैं। वंश ही दो हैं, नई दुनिया में कितने वंश होंगे? दो ही वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशियों की आबादी कितनी होगी और चंद्रवंशियों की आबादी कितनी होगी? हैं? सूर्यवंशी होंगे, सतयुग में होते हैं सूर्यवंशी, और त्रेता में होते हैं चंद्रवंशी। ज्यादा से ज्यादा दोनों की आबादी कितनी होती है? सतयुग में 2 करोड़ हैं सूर्यवंशी, वो भी नंबरवार। मतलब वो भी त्रेता में आने के बाद चंद्रवंशी बनते हैं। तो टोटल चंद्रवंशी कितने हो गए? दस करोड़। उनमें कहेंगे 8 करोड़ हैं पक्के चंद्रवंशी और 2 करोड़ हैं पक्के सूर्यवंशी जो बाद में चंद्रवंशी बन जाते हैं। जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। राम के राज्य में आ जाते हैं ना, कम पास होते हैं तो राम के राज्य में भी पिछाड़ी में जाकर के राजा बने। तो उसका भी क्या फायदा हुआ? किसकी तरफ इशारा किया है? त्रेता के अंतिम जन्म की जो 3 गद्दियां हैं, जो स्वर्ग को काट छांट देती है, स्वर्ग की दुनिया ही उड़ जाती है। उन गद्दियों के जो राजा बनेंगे वो पिछाड़ी में जाकर के राजा बनेंगे। कटिंग ही करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो सच्चा सच्चा सुख तो नहीं देख सकते हैं। योग का जौहर भरता नहीं है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और आपस में बहुत प्यार से चलो, परंतु जिनमें ज्ञान ही नहीं बैठता कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और प्रैक्टिकल में हमारा बाप आया हुआ है,
तो ज्ञान न होने के कारण आपस में प्यार ही नहीं रहता है। बाप आते ही हैं स्वर्ग की बादशाही स्थापन करने। बादशाही थी ना, भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं। ऐसी बात कहने से फिर सब कुछ भूल गए हैं। कभी कभी समाचार आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं तो बाद में बाप को पता पड़ता है, अरे तुम तो काम चिच्छा पर बैठकर जल मरे। फिर 100 गुना दंड लग जाता है। ऐसे फिर ऊंचा पद नहीं पा सकते, क्योंकि बाप की निंदा कराते हैं। वो समझते हैं कि बाप कोई देखता थोड़े ही है, तो बाप भी कहते हैं मुझे क्या पड़ी है एक एक को देखने की। बाप तो आकर के ज्ञान सुनाते हैं, कायदा कानून बताते हैं, जो जैसा करेगा वैसा पद पावेगा। अच्छा, बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।